खरीद कर साल को पालते हूँ, छोला खवाते हूँ, कने का डाला खवाते हूँ, वाला डिजाइन बड़ा खूबसूरत बनाते एक सौ को इथक लगे बेहतरीन है। इसको चारा खिला पानी पिला दूध पिलाते हूँ, एक अपने दिल रही जाता ये बड़ी मेहनत से इत मुल खरीद किते कोई अपने पाले तकी मैं त्री जानवर असा चाहते हूँ इतना। हेलो महंगाई इस वक्त है और हर बंदे की इस वक्त जेब जो है जो इधर डिमांड की जा रही है उस हिसाब से उनको इजाज़त नहीं दे रही, तो जाहिर है कि कुर्बानी तो करना है। अल्लाह ताला की राह में हर बंदा चाहता है कि मैं कुर्बानी करूं, और अगर मैं बकरे की नहीं कर सकता तो मैं गाय में हिस्सा डाल के अपनी जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको जो है मैं पूरा करूँ। उस पर जब से ये बकरा लेते हैं उसका रेट भी 30,000-25,000 का होता है, फिर इसके अखराजात ज़्यादा हैं, कनक ज़्यादा है, गंदम से लेके खल चोकर, यानी कि मुकम्मल तौर पर महंगाई हुई पड़ी है, तो व्यापारी क्या करेगा उसका। अब हर रोज़ का एक बकरे का 500 से लेकर 700 रुपये खर्चा है, तो पर मंथ ये हो गया 15,000-17,000 रुपये खर्चा है। अब एक बकरे की कीमत लाजमी 70,000-65,000 मांगेंगे तो हमारा कोई गुजारा होगा, वरना इसके अलावा गुजारा नहीं हो सकता, हम मजबूर है, क्या कर सकते हैं। हाथ रखो ना पर। मंडी के रेट इतने हाई है, कोई ख़रीदारी नहीं हो रही, समझ लो सौदे नहीं होते रहे कि इतने रेट हाई है, ख़रीदार हो नहीं रही, बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को कुर्बानी करना। अभी देखें आगे आगे दिन आ रहे हैं, अब किस तरह होता है कि लोग बाग करते हैं या नहीं करते कुर्बानी, या हिस्से में डालेंगे, क्योंकि अभी अकेले कुर्बानी करना बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ हल्के से हल्का जानवर भी तकरीबन 2 लाख से शुरू हो रहा है, 2 लाख से कम नहीं उससे ऊपर ही है, ज़रा थोड़ा भारी जानवर पे जाओ 3.5-4 मन पे वो तो तकरीबन 3 लाख, 3.5-4 लाख।